हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं निधि। दोस्तों, आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाली हूं, जो कि कई बार मुझसे पूछा जाता है पर्सनली भी और चैनल के थ्रू भी, कि ये जो कोविड टाइम चल रहा है इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं और अभी धीरे धीरे चीज़ें माइल्ड हो रही हैं और सब लोग बाहर जा रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो ऐसे में बच्चों का कैसे ख्याल रखें, क्योंकि इंसान खुद के बारे में थोड़ा सा सोच लेता है कि बीमार हो गए तो कर लेंगे मैनेज, लेकिन बच्चा जो है वो तो उसके लिए उसका जो इम्यून सिस्टम है वो भी अभी ग्रोइंग स्टेज पर है, अभी फुल्ली डेवलप्ड नहीं है, इमेच्योर स्टेज पे है। सो हमारा कंसर्न बहुत होता है कि किस तरीके से मैनेज करें बच्चों का ये जो फेज चल रहा है उस पर। सो उसी के बारे में कुछ टिप्स बताऊंगी जो मैं फॉलो करती हूँ आरएफ के साथ में। एंड यस, विदाउट मच डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम जो बात करने वाले हैं, जो टिप्स मैं शेयर करने वाली हूँ, वो मैं दो सेक्शन में डिवाइड करना चाहूँगी, एक इनसाइड इंडोर्स एंड एक आउटडोर्स, मतलब जब हम बाहर जाते हैं तब क्या कुछ फॉलो करना चाहिए और जब हम घर पे रहते हैं तब क्या फॉलो करना चाहिए। तो घर पे रहने की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो है कि कोई भी फ्रूट्स एंड वेजीज हम लेकर आते हैं तो उसको सबसे पहले रनिंग वाटर में अच्छे से वॉश कर लीजिए। कोई डिसइंफेक्टेंट आपके पास है वेजिटेबल वाला तो आप उसको यूज़ कर लीजिए, मतलब अच्छे से उसको वॉश करके, अच्छे से उसको ड्राई करके देन फिर उसको स्टोर कीजिए, क्योंकि हम अच्छे से वॉश तो कर ले रहे हैं बट अगर उसे अच्छे से स्टोर नहीं कर रहे हैं तो उसके अंदर जर्म्स वगैरह डेवलप होते हैं और वो खाकर भी हम बीमार पड़ सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगी कि कोविड से जब हम अपनी प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो हमारा कंसर्न सिर्फ कोविड से बचने का नहीं है, क्योंकि वो एग्जैक्टली हमारे हाथ में नहीं है। हमारा कंसर्न जो है वो इनडायरेक्टली कोविड से बचने का, मतलब अपना इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग रखना है या अपने इम्यून सिस्टम को वीक नहीं होने देना है, जिसकी वजह से अगर हमारे आसपास कोई कोविड पेशेंट या कोविड वायरस है भी तो हम उसे कैच ना कर पाएं ईजिली, हमारा इम्यून सिस्टम बेसिकली स्ट्रांग रहेगा तो ये चीज़ें पॉसिबल है। क्योंकि अगर कोविड आपके पास में है और तो आप कुछ कर नहीं सकते, आप कोई कैलकुलेट मेजर कुछ भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आप क्या कर सकते हैं, अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं ताकि अगर अटैक होता भी है तो आप उससे अफेक्ट ना हो। सो वही चीज़ें बेसिकली आपको एज अ प्रिकॉशन फॉलो करनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको वेजीज फ्रूट्स या कुछ भी आप बाहर से लाते हैं उसको अच्छे से वॉश कीजिए, अच्छे से उसको ड्राई कीजिए, देन फिर उसको फ्रिज में या जो भी मेथड है उससे आप स्टोर कीजिए। नेक्स्ट चीज़, जब ही भी आप किचन में जाते हैं, कुछ भी कुक करने के लिए जाते हैं, आपको यकीन नहीं होगा मेरे हाथ इतने ड्राई हो गए, इतने फ्लेकी से होने लग गए हैं, क्योंकि मैं दिन में इतनी बार हाथ धोती हूँ। मेरे हस्बैंड के बहुत ही स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थे कि मैं कुछ भी, अगर मैंने, आप सोचिए कि मैंने अच्छे से स्टोर करके फ्रिज में चीज़ें रखी हैं, पनीर या ऐसे कुछ रखा हुआ है, तो जब मैं उसे निकालूंगी तो पहले उसको जब अनपैक करना है उसके बाद मुझे अच्छे से अपना हैंड वॉश करना है, देन फिर मुझे अगेन अपनी कुकिंग या जो भी है वो स्टार्ट करना है। सो ये चीज़ बहुत काम की है। कभी कभी मुझे बड़ा इरिटेशन होता था शुरू में, लेकिन ग्रेजुअली मुझे चीज़ें समझ में आने लगी। सो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आप जितनी बार भी कुछ छुए या फिर अगर आप शुरू कर रहे हैं कुकिंग में, किचन में या कुछ भी काम करना शुरू करें, तो अपने हाथों को अच्छे से हैंड वॉश से 20 सेकेंड्स तक जो इंस्ट्रक्टेड है एज़ पर गवर्नमेंट, वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए अच्छे से अपने हाथों को वॉश करते रहिए, वो बहुत ज़रूरी है। एंड थर्ड चीज़ है कि कोई भी ऐसी चीज़ आप लेकर आते हैं जो पैक्ड है, चाहे वो खाने का आइटम हो या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसको कि आप घर पर आकर तुरंत उसकी पैकिंग, जो आउटर पैकिंग, उसको फेंक नहीं सकते हैं, लाइक पनीर है, चीज़ है, इस टाइप की जो चीज़ें, इनको आप फेंक तो नहीं सकते हैं ना, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अच्छे से उसको, उसके ऊपर डिसइंफेक्टेंट जो आता है किचन से रिलेटेड, वो आप उसकी वाइप्स भी आती हैं और नहीं भी तो आप स्प्रे करके सिंपल कॉटन के कपड़े से या टिश्यूज से आप उसको वॉश वाइप करके देन फिर उसको आप अच्छे से स्टोर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखें, खाने से रिलेटेड या बाहर की चीज़ों से रिलेटेड। हमारे घर में जब भी कोई पार्सल्स आते हैं, बहुत सारे पार्सल आते रहते हैं और अभी दिवाली थी तो बहुत सारे पार्सल्स आए थे, बट मेरे बेटे ने एक भी पार्सल को मैं इवन खुद भी नहीं छूती थी, उसको भी छूने नहीं देती थी, तो अलग एरिया में ले जाकर रखा और जैसे ही वो पार्सल आया मैंने तुरंत हैंड वॉश किया। और आप बिलीव करेंगे कि हर आधे घंटे में, कभी कभी ऐसा होता था कि हर आधे घंटे में एक पार्सल वाला आ जाता था, तो मुझे हर आधे घंटे में, या किचन में मैं कुछ काम कर रही हूँ तो आ गया वो, तुरंत पहले मुझे हैंड वॉश करना ही है। तो ये चीज़ आप पे भी डिपेंड करती है अगर आप अपने बच्चे का ख्याल रखना चाहते हैं। यही चीज़ आप अपने बच्चे को भी सिखाइए कि कभी भी वो कुछ ऐसा छूता है तो उसको भी हैंड वॉश अच्छे से प्रॉपरली करना है। तो ये चीज़ें बच्चे एक बार में चीज़ें सीखते नहीं है, दो बार में सीखते नहीं है, उनको आप 5-6 दिन प्रैक्टिस करा के देखिए, अपने आप वो चीज़ें 1 वीक के बाद खुद से करने लग जाते हैं, ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। तो अपने बच्चों को भी आप ये चीज़ें सिखाइए। उसके अलावा बच्चों के जितने भी टॉयज़ हैं, पहली चीज़ कि ये पीरियड ऐसा चल रहा है कि मेरे हिसाब से, इट्स माय व्यू, कि आप
बच्चों के बहुत ही लिमिटेड टॉयज़ को निकाल करके रखिए, पहले के जैसा नहीं कि बस बहुत सारे टॉयज़ मेरे पास बहुत सारे बॉक्सेस हुआ करते थे, अभी मैंने धीरे धीरे डी क्लटर कर दिया और अभी और भी मैं करूँगी ताकि लिमिटेड टॉयज़ रहेंगे, उनको मैनेज करना ईजी रहता है और बच्चे सारे टॉयज से कभी खेलते नहीं है, इट्स अ फैक्ट। तो जितने से वो खेलते हैं बस उतने टॉयज़ को आप निकाल लीजिए, उनको टाइम टू टाइम वॉश कीजिए, डिसइनफेक्ट करते रहिए, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं वो कहीं भी फेंक रहे हैं, और बहुत ही छोटे बच्चे अगर हैं तो वो मुँह में भी ले लेते हैं या कुछ गिरा देते हैं, खाना पानी ये सब गिरा देते हैं, तो उसकी वजह से डर्ट जर्म्स वायरस क्रिएट हो सकते हैं। सो अगर आप क्लीनलीनेस अगर अपने घर में बच्चों के टॉयज़ में बच्चों के एरिया में रखेंगे तो वो बहुत हेल्प करता है। एंड दूसरी चीज़ कि आपके जो हाइजीन वाली चीज़ें हैं लाइक आपके बेडशीट है, टाल्स हैं या यस इस टाइप की जो भी चीज़ें कॉम्ब्स हैं, ये सारी चीज़ें जो भी हैं इनको बहुत ही अच्छे से टाइम टू टाइम क्लीन कीजिए। जितना आप पहले इंटरवल रखते थे उसको रिड्यूस कर दीजिए कि हर दो दिन पे आप अपनी ये सारी चीज़ें स्पेशली हैंड टाल्स जो बेसिन के पास हम रखते हैं रेगुलर बेसिस पे, उसको मैं हर दिन वॉश करती हूँ हर दिन, और कभी कभी मैं आरएफ के लिए तो खैर अलग ही टॉवल रखती हूँ, वो उससे ही उसको वॉश करवाती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। सो इन चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखिए कि आप हर अपने घर में जो भी एरिया है, कहीं बच्चे ने खिरा कुछ मतलब खाता है गिरा दिया कर दिया, उसको तुरंत वहाँ से वाइप कर दीजिए ताकि कोई भी चीज़ें, कोई भी इंसेक्ट, कोई भी चीज़ें बाहर से अट्रैक्ट होकर ना आए और आपका जो घर है वो क्लीन बना रहे, किसी भी तरीके का यू नो वायरस जर्म्स ना हो। ज़रूरी नहीं है बच्चा कोविड से ही बीमार पड़े, ऐसा भी हो सकता है कि उसको उस तरीके की गंदगी से यू नो जब पानी कहीं इकट्ठा रहता है या कहीं कुछ खाना गिरा रहता है तो वहाँ पर जर्म्स वगैरह आ जाते हैं, तो उससे अगर आपका बच्चा बीमार हो गया है तो उसका इम्यूनिटी तुरंत से डाउन हो जाता है, और फिर अगर आप उसे हॉस्पिटल में लेके जाते हैं तो आप एक्सपोज होते हैं कोविड की तरफ, और अगर वहाँ पर कोविड आ गया और आपके बच्चे का इम्यून सिस्टम डाउन है तो वो बहुत ही प्रोन हो जाता है कैच करने के लिए। सो यस, आप इस चीज़ का अपने घर के अंदर क्लीनलीनेस का ध्यान रखिए, ये कोशिश करिए कि आपका बच्चा जितना हो सके उतना बीमारी से दूर रहे। कौन सी बीमारी है वो अभी मैटर नहीं है, किसी भी बीमारी से वो दूर रहे ताकि उसका इम्यून सिस्टम पे अटैक ना हो। तो चलिए अब बात करते हैं बाहर की, अगर हम बाहर लेके जाते हैं बच्चों को तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो जब भी हम बच्चों को बाहर लेके जाते हैं जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो होती है वैक्सीनेशन की। इस टाइम पे जो भी लोग वैक्सीनेशन कराने जाते हैं हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ। आरब को लेकर मैं लॉकडाउन जैसे ही ओवर हुआ था, अनलॉक फर्स्ट हुआ था, तब हम उसे लेकर के गए थे हॉस्पिटल। बहुत ही चैलेंजिंग था बट थोड़ा सा डिफिकल्ट भी था, बट मुझे लगता है वो आपको फॉलो करना चाहिए क्योंकि बच्चों के जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पर एक एनवायरनमेंट किड्स फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाया जाता है, जहाँ पर झूले होते हैं, टॉयज़ होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करती हैं। और नॉर्मली आरव जब जाता था तो वहाँ पर खेलता ही था, इस बार जब हम लोग गए थे तो वो काफ़ी इरिटेट भी हो रहा था क्योंकि उसे झूले पे झूलना था, टॉयज से खेलना था, बट हम लोगों ने उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ा, उसे किसी ना किसी तरीके से उलझाते रहे बातों में। हालांकि थोड़ा डिफिकल्ट था नो डाउट, वो थोड़ा इरिटेट भी हो रहा था, बट यही एक सही तरीका है कि आप बच्चों को पब्लिक वाली कोई भी चीज़ों को छूने के लिए बिल्कुल भी आप लिबर्टी ना दें, और कोशिश करें कि जितना हो सके उतना बाहर ना जाएं, घर पे ही रहें। और अगर आप बाहर जा भी रहे हैं तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें कि बच्चा कोई भी ऐसी चीज़ जो पब्लिक यूज़ में है वो चीज़ें वो ना छूए। और बच्चों को आपको ये चीज़ सिखानी पड़ेगी, आरव को हम लोगों ने इस तरीके से सिखाया है। एग्जाम्पल आपको देती हूँ कि जब हम बाहर जाते हैं तो उसको मास्क लगाते हैं तो वो खुद भी एक्साइटेड रहता है, तो उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जब हम कार में बैठते हैं तो मैंने एक दिन अपने हस्बैंड से बोला कि कार में बैठा हुआ इसका मास्क निकाल देते हैं, तो मेरे हस्बैंड ने ये बोला कि नहीं निकालना नहीं। मैंने कहा कार में ही बैठे हैं ना, बच्चा है, थोड़ा सा रिलैक्स करें। इन्होंने बोला नहीं, रिलैक्स करने की बात नहीं है यहाँ पर, बच्चे को मास्क पहनने की लंबे समय तक आदत होनी चाहिए। अगर हम अभी उतार देंगे तो उसको ये बात पता होगी कि बाहर गए हैं तो मास्क उतारा भी जा सकता है, और फिर वो उसको उतारने लग जाएगा। अभी उसको बात पता नहीं है कि बाहर हम रहते तो मास्क नहीं उतारते, तो वो हमेशा वो कहीं भी बाहर जाता है वो पूरे टाइम मास्क पहने रहता है। पता नहीं आप बिलीव करेंगे कि नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है उसका ये हैबिट, लेकिन उसकी ये हैबिट जो मैंने आपको इंसिडेंट बताया कि हम उसका मास्क तब उतारते हैं जब वो सो जाता है, सिर्फ तब उतारते हैं और उसे तब पता नहीं होता है, लेकिन जब तक वो जगा रहता है तब तक वो मास्क पहन कर रहता है। तो हम उसे उतारते नहीं है क्योंकि हमें पता नहीं है कि आगे क्या सिचुएशन होने वाली है, हो सकता है स्कूल से स्टार्ट हो और ये कंडीशन वहाँ पर लगे कि बच्चों को मास्क पहनना है। सो हम अपनी तरफ से कोशिश यही कर रहे हैं, बाकी फिर जब वो स्कूल जाएगा तो क्या करेगा वी डोंट नो, बट अभी हम फिलहाल इस तरीके से करते हैं। तो आप भी अपने बच्चे को मास्क पहनने की हैबिट डालिए, कहीं पर भी अगर आप लिबर्टी लेने लगेंगे कि अरे बच्चा है ठीक है तो चीज़ें ऑटोमेटिकली थोड़ी सी यू नो डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो थोड़ा सा आप खुद हार्श होइए, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होइए, तो चीज़ें आप थोड़ी सी कंट्रोल कर पाएंगे। टाइम टू टाइम उसको सैनिटाइज भी आप जब बाहर है तो रखिए अपने पास, टाइम टू टाइम देते रहिए, हर आधे घंटे में एक घंटे में थोड़ा थोड़ा सैनिटाइज़र जो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र है वो आप रखिए और उसको देते रहिए। तो हम लोग जब भी बाहर जाते हैं तो मेरे हस्बैंड के पास एक छोटी बॉटल होती है और हम तीनों लोग टाइम टू टाइम अपना हाथ जो है वो सैनिटाइज करते हैं। कार से बाहर निकले, शॉप पे गए, कुछ किया, हालांकि बच्चा मेरा और मैं कुछ भी छूते नहीं है, अलाउड ही नहीं है हमारे घर में,
कि कहीं भी अननेसेसरी कोई भी चीज़ टच की जाए, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि बच्चे को आप ये सारी चीज़ें सिखाइए कि भाई मास्क पहनना है, सैनिटाइजर यूज़ करना है, और कोई भी चीज़ बाहर जितना हो सके उतना अवॉइड कीजिए कि वो टच ना करे, अपने आईज नोज मुँह में हाथ डालना, ये सारी हैबिट्स उसके आप उसको बताइए कि ये सब चीज़ें नहीं करना है। कोई स्टोरी बना करके आप उसे बता सकते हैं कि कोई जर्म है, या फिर जैसे हमने आरफ को बताया कि अगर मास्क नहीं पहनते तो पुलिस पकड़ के लेके जाती है, सो उसके मन में है कि मास्क तो पहनना है। कभी गलती से हम लोग बात बात में ऐसा बोलते हैं कि अरे वहाँ पुलिस थी, तो तुरंत वो एक्टिव होकर बोलता है अरे मुझे मास्क दो, पुलिस आ गई, ऐसा करके, मतलब डर नहीं बैठाना है, लेकिन एक स्टोरी बता करके आपको रखनी है कि भाई ऐसा, ताकि बच्चे थोड़ा सा उस चीज़ को समझे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब भी बाहर से आए तो आप बच्चों के सारे कपड़े तुरंत उतारे। सबसे पहला काम हम लोग यही करते हैं कि जब भी बाहर से आते हैं सारे कपड़े उतारो, उसके बाद सीधे बाथरूम में जाओ, और वहाँ पर हमने आरफ को, अगर आप मेरे को रेगुलर फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा कहीं कहीं आरफ पूरा हैंड वॉश लेकर और अच्छे से स्टेप बाय स्टेप, मैंने उसे 4-5 स्टेप्स सिखाए हैं, वो सारे स्टेप्स फॉलो करके अपना हैंड वॉश करता है। सो गाइज, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जिनको कि आपको फॉलो करना चाहिए टू अवॉइड कोविड फॉर योर बेबी। एंड ऑल्सो आप मेक श्योर करें कि जितना हो सके उतना आप कम बाहर जाएं, स्पेशली क्लिनिक या हॉस्पिटल विजिट जो है वो आप अवॉइड कर दें। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो पहले कॉल करके डॉक्टर से बात करें, छोटी मोटी प्रॉब्लम के लिए हॉस्पिटल्स ना भागें, क्योंकि बच्चे के लिए सबसे सेफ एनवायरनमेंट जो है वो आपका घर है। जितना आप बाहर जाएंगे, स्पेशली हॉस्पिटल में हर तरह के लोग आते हैं, बच्चे बड़े सब लोग आते हैं, सो वहाँ पर इन्फेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। सो इसलिए आप अपने बच्चों को बचा करके रखें, उनका ध्यान रखें, और उम्मीद करती हूँ कि सब कुछ बहुत जल्दी अच्छा हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। आपका कोई पसंदीदा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के पसंद के वीडियोज़ बनाना। तो मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।